नमस्कार दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड किया था आप तक जानकारी पहुंचाई, आप कैसे एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रोविजन के हिसाब से अपना केस खुद लड़ सकते हैं, धारा 32 के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। इस वीडियो में उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको एक दूसरा कानून बताऊंगा जिसके हिसाब से आप अपना खुद का केस लड़ सकेंगे और ये कानून है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। हम लोगों ने एडवोकेट एक्ट 1961 की बात कर ली, सेक्शन 32 की बात कर ली, दूसरे कानून के बारे में बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जहां पर ऑर्डर 3 रूल 1 प्रिस्क्राइब करता है कि अपीयरेंस मे बी बाय पर्सन और बाय अ रिक्वायर्ड एजेंट और बाय एनी प्लीडर। आप खुद भी अपने केस को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी जगह अपने लॉयर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, आप अपनी जगह किसी एजेंट को भी अपॉइंट कर सकते हैं, आप प्लीडर को भी अपॉइंट कर सकते हैं जो आपके केस को कोर्ट के सामने ब्रीफली रख सके। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर की जो एप्लीकेशन होती है ऑर्डर 3 रूल 4 में डिस्क्राइब की गई है। स्टेप्स काफी सारे होते हैं सिविल केसेस में, ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले कोई केस है, आपको केवल जानकारी रहना ही पूरा नहीं है, आपको कानून की जानकारी भी होनी चाहिए। तो स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अ प्रूफ ऑफ एविडेंस। ये आपको सारे सबूत जितने भी एविडेंस हैं जो कोर्ट में आपको रखने हैं वो कलेक्ट करने पड़ेंगे, इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है, आपके पिटीशन की ड्राफ्टिंग, आपका जो एप्लीकेशन, आपके आवेदन की ड्राफ्टिंग, उसकी पूरी जो ड्राफ्ट है वो तैयार करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। इसमें आपने क्या रिलीफ कोर्ट से मांगनी है, क्या रिलीफ कोर्ट से चाहिए वो भी मेंशन करना जरूरी होता है, किस ग्राउंड पे आपने एप्लीकेशन दी वो मेंशन करना जरूरी कर होता है, फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं इस केस के वो मेंशन करना जरूरी होता है। इसके बाद आप जैसे आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस डॉक्यूमेंट हो गया, ड्राफ्टिंग हो गई, अब होगा फाइलिंग। फाइलिंग मतलब कोर्ट के सामने आपका केस पुट करना। जब कोर्ट के सामने आप अपना केस पुट अप कर देते हैं, सारी चीजें ठीक है, ऑब्जेक्शन वगैरह रिमूव कर दिया, तो समन इश्यू होते हैं। समन मतलब जो नोटिस है वो ऑपोजिट पार्टी रिस्पोंडेंट को जाते हैं, प्रतिवादी को जाते हैं, जो ऑपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट में आपने केस फाइल किया, एक है तो एक, दो है तो दो, चार है तो चार, सभी को नोटिस सर्व होंगे कोर्ट की तरफ से। नोटिस जाने के बाद वो अपना जवाब दाखिला करते हैं, रिटन स्टेटमेंट WS या SE भी कहते हैं। जब उनका रिटन स्टेटमेंट आ जाता है फिर अगली जो स्टेट होती है वो क्या होती है, इंटरिम एप्लीकेशंस की। बीच बीच में छोटी छोटी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, स्टे चाहिए तो स्टे की एप्लीकेशन, कोई और एप्लीकेशन है तो उसको, तो ये सारी एप्लीकेशन कोर्ट डिसाइड करती है, फिर शुरू होता है एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद में ही पूरा एक लंबा, एक लॉन्ग प्रोसीजर है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, के बाद में जजमेंट डिसाइड होता है, कोर्ट डिग्री ग्रांट करती है। तो ये सिविल के लिए पूरा तरीका है, आप खुद भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको प्रोविजन बताया था उसके हिसाब से। आपको ये भी ध्यान रखना है कोई भी एप्लीकेशन देने के लिए आपको क्या कोर्ट फीस देनी है, किस तरीके से ड्राफ्ट तैयार करना है, वो पर्टिकुलर कोर्ट का क्या फॉर्मेट है, ये सारी चीजें आपको वहां लोकल जिस हिसाब से काम किया जाता है ना वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ अलग अलग नेचर के केस होते हैं, आर्बिट्रेशन के केस होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के, कंज्यूमर फोरम के केस होते हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के केस होते हैं, हाई कोर्ट के केसेस अलग होते हैं, अगर आपने बेल एप्लीकेशन की तो अलग, तो ये सारे अलग 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 केसेस होते हैं जिनका अलग तरीके से ड्राफ्टिंग होती है, फाइलिंग में भी थोड़ा प्रोसीजर का डिफरेंस होता है और इनके जो स्टेप्स हैं लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ जो शॉर्ट एप्लीकेशन जैसे बेल एप्लीकेशन है उसमें अलग होता है, लेकिन ट्रायल में अलग होता है, चालान पेश होना, फिर एग्जामिनेशन, व्हाटएवर। तो ये जो प्रोसीजर है वो सारे प्रोसीजर का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। इसी वजह से कहते हैं एक रात में, एक दिन में कोई लर्ड नहीं बन जाता, कोई विद्वान नहीं बन जाता, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है लगातार स्टेप बाय स्टेप। हम भी सीख रहे हैं, आप लोगों के द्वारा हम लोग को भी जानकारी मिलती है, हमारे द्वारा आपको जानकारी मिलती है, हम लोग कोर्ट जाते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग काम करते हैं, इससे लगातार हम लोग को अनुभव के साथ में ज्ञान मिलता रहता है। तो एक दिन में कोई लर्निंग नहीं बन जाता, यही मेरे कहने का मतलब है कि लगातार इस कोशिश को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एक्शन के साथ हम लोग नई नई चीजें हर दिन सीखते हैं और थोड़े समय के बाद हम लोग को कानून की जानकारी थोड़ी बहुत हो ही जाती है। लेकिन अगर आप अपना केस कॉन्टेस्ट करना चाहें तो वो तो मैंने आपको बता दिया सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से भी कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया है आपके केस के बारे में, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि केवल और केवल अपने केस की जानकारी होना ये सफिशियंट कॉज नहीं है कि आप अपना केस लड़ने के लिए अब तैयार हैं, आपको दूसरे कानून की भी जानकारी होनी चाहिए। फैमिली लॉ है तो फैमिली
कोर्ट के जो एक्ट होते हैं लाइक हिंदू मैरिज या फैमिली कोर्ट एक्ट या सिविल प्रोसीजर कोड, इसकी जानकारी होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ की अगर हम लोग बात कर लें तो इंडियन पिनल कोड, आईपीसी या बाकी नार्कोटिक्स, ये सारे लॉज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग नेचर की केसेस में बाकी सारे कानून की भी जानकारी निश्चित रूप से आपको होनी चाहिए। प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आपको पता रहेगी तो इस कंडीशन पे आप अपना केस लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो प्रोसेस के लिए अगर आपको कोई जानकारी और भी चाहिए तो निश्चित रूप से आप अपने सुझाव के साथ सवाल भी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।